हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और राज्य का कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। इसी के एक गांव की कहानी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहां के लोग भारत के कानून को नहीं मानते हैं। इस गांव के लोग खुद को सिकंदर का वंशज कहते हैं, इसलिए वहां खुद को भारत का हिस्सा भी नहीं मानते हैं। बताया ये जाता है कि सिकंदर भारत पर कब्जा करने के लिए पाटलिपुत्र की तरफ बढ़ रहा था। सिंध और कश्मीर प्रांत के कई राजाओं ने उन्हें लड़ाई के लिए ललकारा, लेकिन सैनिक काफी थक चुके थे और वहां अपने घर जाना चाहते थे। जब सिकंदर की सेना पर हमला हुआ तो सैनिकों ने पहाड़ी इलाकों में शरण ले लिया। कुछ सैनिक कुल्लू के पास मलाना गांव में रुक कर गए और फिर कभी यहां से वापस नहीं जा सके। इसी कारण यहां के लोग खुद को सिकंदर के सैनिकों का वंशज कहते हैं। कुल्लू के उत्तर पूर्व में स्थित मलाना गांव में 125 के आसपास परिवार रहते हैं। यहां के लोग 21वीं सदी के इस दौर में भी बाकी भारत से कटे हैं और गांव के बाहर किसी से संबंध नहीं रखना चाहते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से प्रियंका राज की रिपोर्ट।